सो स्टूडेंट टुडेज क्वेश्चन इज टू पॉइंट चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू लाई अलोंग अ लाइन एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल अलोंग द लाइन्स ऑफ चार्जेस शोन इन दिस फिगर. एट विच पॉइंट वन टू एंड थ्री इज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो. एंड सेकेंड पार्ट, वॉट आर द साइंस ऑफ क्यू वन एंड क्यू टू एंड विच ऑफ द टू चार्जेस इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड. ये आपको ग्राफ गिवन था, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग एक बेसिक फैक्ट पे आएंगे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज फॉर्मूला इज दिस एंड द ग्राफ इज दिस. सिंपल है, बिकॉज वेन आर इज ज़ीरो देन वी इज इन्फिनिटी एंड वेन आर इज इन्फिनिटी देन वी इज ज़ीरो. इस टाइप सो पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू पोटेंशियल का फॉर्म पोटेंशियल का ग्राफ आपका ये हुआ एंड निगेटिव चार्ज के ड्यू टू ग्राफ ये हो जाएगा. नाउ वॉट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? डी वी बाई डी आर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड माइनस डी वी बाई डी आर इज कॉल्ड ई. यहाँ पर आपको जो ग्राफ गिवन है वो वी एंड आर के बिटवीन गिवन है. तो जिन क्वांटिटीज में ग्राफ गिवन होता है उन क्वांटिटीज में अगर आप डिवाइड करते हैं तो वो ग्राफ का स्लोप फॉर्म करती हैं. यहाँ पे भी आपने डी वी बाई डी आर आप कर रहे हैं तो ये डी वी बाई डी आर क्या है? ग्राफ का स्लोप एंड विच इज़ इक्वल टू ई. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए. इफ़ ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन डी वी बाई डी आर इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो. इट मीन्स स्लोप ऑफ द कर्व इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वेन द स्लोप ऑफ एनी कर्व इज इक्वल टू ज़ीरो देन इट मीन्स इट इज द कर्व इज पैरेलल एट दैट पॉइंट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सो इन दिस होल कर्व देयर इज ओनली सिंगल पॉइंट एट दिस. इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन दिस पॉइंट देन दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. So it means at this point the value of E is equal to zero. Okay, तो ये first part आपका यहाँ से हो जाएगा. Second part, what is the sign? तो sign के लिए आपको मैंने पहले ही graph के लिए बता दिया था. Positive का graph upward and negative में downward. तो ये graph आपका upward है इसलिए ये charge positive और ये graph आपका downward है इसलिए ये charge negative. इसके बाद point आता है which one is greater in magnitude. तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा. फर्स्ट पॉइंट पे आइए, फर्स्ट पॉइंट पे पोटेंशियल ज़ीरो है. अगर ये फर्स्ट पॉइंट दोनों चार्जेस के बिटवीन होता तो दोनों चार्जेस की स्ट्रेंथ इक्वल होती क्योंकि यहाँ पे नेट पोटेंशियल ज़ीरो है. नेट कैसे निकालेंगे? क्यू वन के थ्रू निकालेंगे प्लस क्यू टू के थ्रू निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे. इस पॉइंट पे नेट ज़ीरो है लेकिन ये पॉइंट दोनों से मिडिल में नहीं है, मिड पॉइंट पे नहीं है, ये आपका क्लोज़र टू क्यू टू है. इट मीन्स साफ क्लियर है कि Q2 पे चार्ज कम होगा और Q1 पे चार्ज ज़्यादा होगा. सो इन बिटवीन Q1 एंड Q2, Q1 इज बिगर देन बिगर इन मैग्नीट्यूड ओके देन Q2.